सबसे पहले इंपोर्टेंट आर्टिकल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में है। जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को लिंक कर सकते हो। मान लीजिए एसबीआई कंपनी के द्वारा किसी एबीसी कंपनी को 100 करोड़ का लोन दिया गया, तो ये एसबीआई की एसेट्स हैं। लोन जो दिया जाता है बैंक्स के द्वारा दूसरे इंडिविजुअल्स को या फिर कंपनीज को, बिजनेस फर्म्स को, एंटिटीज को, वो एसेट कहलाता है बैंक्स का। अब देखो 90 डेज हो गए, 90 दिन हो गए, एबीसी कंपनी के द्वारा ना तो इंटरेस्ट चुकाया जा रहा है इस 100 करोड़ के लोन पर और ना ही प्रिंसिपल चुकाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एसबीआई की जो एसेट्स थी उसने परफॉर्म करना बंद कर दिया है, क्योंकि 90 दिन हो गए, 90 डेज हो गए। आमतौर पे विभिन्न कंट्रीज के द्वारा इस टाइम पीरियड को 90 डेज ही लिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई निश्चित नहीं है। आरबीआई इस टाइम पीरियड को चेंज भी कर सकती है। ये तो हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया, लेकिन पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, सरकारी बैंकों के द्वारा अंधाधुंध लोन दिया गया विभिन्न कंपनीज को, और अब बहुत सारा पैसा सरकारी बैंकों का अटका हुआ है। यानी जो एसेट्स, जो लोन दिया गया था सरकारी बैंकों के द्वारा, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखो बैंकों का इतना सारा पैसा लटका रहेगा तो सोच के देखिए, बैंकों के पास कम पैसा रहेगा दूसरी कंपनीज को लोन देने के लिए। अगर बैंक दूसरी कंपनीज को लोन नहीं दे सकेंगे तो दूसरी कंपनीज कैसे अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगी, कैसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगी? अगर दूसरी कंपनीज अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं करेंगी, नया बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं करेंगी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होगी और हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट प्रभावित होगी। इसी वजह से एनपीए की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से काफी सारे कदम उठाए हैं। जैसे एक कदम है रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स, यानी बैंकों को पैसा दिया जाए सरकार की तरफ से। दूसरा कदम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, और भी काफी सारे कदम हैं जो सरकार ने अपनी तरफ से उठाए हैं ताकि एनपीएस की समस्या सोल्व हो और बैंक्स फिर से ज्यादा लोन देना स्टार्ट करें। तो अभी आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। आर्टिकल में यह कहा जाता है आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की, एक साल में दो बार जारी की जाती है आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा कि अगले साल मार्च तक, यानी मार्च 2019 तक, ग्रोस एनपीए जो है वो घटने की बजाय बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मार्च 2018 में बैंक्स का एनपीए था, ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट था 11.6%, जबकि अगले साल मार्च 2019 में ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट पहुंच जाएगा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का 12.2%। तो सोच के देखिए, एक तरफ तो सरकार स्टेप्स उठा रही है कैसे ग्रोस एनपीएस को कम किया जाए, दूसरी तरफ कम होने के बजाय ग्रोस एनपीएस बढ़ जाएगा अगले साल तक, तो काफी चिंता की बात है हमारी इकोनॉमी के लिए। पिछले 20 सालों में जो ये आंकड़ा है ग्रोस एनपीए का 12.2%, ये हाईएस्ट होगा, यानी पीक पे होगा। इससे हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है बुरी तरह से प्रभावित होगा, जो लोन देने की एक्टिविटीज हैं बैंक्स के द्वारा वो कम हो जाएंगी। और देखो वो बैंक्स जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के अंतर्गत आते हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखो कुछ बैंक्स की जो कंडीशंस हैं वो और ज्यादा खराब होती हैं। आरबीआई उन बैंक्स को मॉनिटर करता है काफी सारे पैरामीटर्स के आधार पर, जैसे एसेट पर रिटर्न्स कितना आ रहा है, CRAR मतलब कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितनी है किसी बैंक की। तो इन सब चीजों के आधार पर आरबीआई के द्वारा कुछ बैंकों को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में रखा जाता है, यानी आरबीआई स्पेशल फोकस करता है इन बैंक्स पे, और क्योंकि ये बैंक्स ज्यादा ही खतरे में हैं और इन बैंक्स के लिए आरबीआई के द्वारा कंडीशंस और भी ज्यादा सख्त कर दी जाती हैं। तो यहां पे आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि वो बैंक्स जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में आते हैं उनका जो ग्रोस एनपीए है इस साल 21% से बढ़कर अगले साल मार्च में 22.3% हो जाएगा। इसके अलावा आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पूरे बैंकिंग सिस्टम का जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है उसके कम होने की संभावना है। अभी इस साल मार्च 2018 में कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है 13.5%। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो को कैपिटल एडुकेसी रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। अगले साल मार्च 2019 में ये 12.8% हो जाएगा। तो इस टर्म के बारे में एक बार थोड़ा सा हम जान लेते हैं। फॉर्मूला कैपिटल एडुकेसी रेशियो का यहां पर गिवन है। कैपिटल एडुकेसी रेशियो इज इक्वल टू टीयर वन कैपिटल प्लस टीयर टू कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। टीयर वन कैपिटल के एग्जाम्पल्स यहां पर हैं कॉमन शेयर्स, प्रिफरेंशियल शेयर्स, और टीयर टू कैपिटल के एग्जाम्पल्स यहां पर हैं डेट्स यानी बॉन्ड्स, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ऑप्शनली फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। अब देखो बैंकों के द्वारा जो लोन दिया जाता है उस
लोन को यानी उस बैंकों के एसेट को रेगुलेटर्स के द्वारा कैटेगराइज किया जाता है विभिन्न कैटेगरीज में रिस्क के आधार पर, मतलब लोन की रीपेमेंट कितनी है और जो चीज़ गिरवी रखी गई है लोन लेते वक्त उसकी कीमत कितनी है। तो रेगुलेटर्स इस प्रकार से निकालते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स। अब देखो, मान लेते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 9% यानी 9%। अगर बैंक्स के द्वारा 100 करोड़ का लोन दिया जाता है जो कि रिस्क वेटेड एसेट की कैटेगरी में आता है, तो इस 100 करोड़ के लोन पर 9 करोड़ यानी कि 9 करोड़ बैंक को संभाल के रखने पड़ेंगे। यहाँ पर नीचे देखिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% है, तो 7% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट, रिस्क वेटेड एसेट कितनी है 100 करोड़, हमने डिस्कस किया 100 करोड़ का लोन दिया गया बैंक के द्वारा जो कि रिस्क वेटेड एसेट है, तो इसका 7% बैंक को रखना पड़ेगा टीयर वन में। टीयर वन के एग्जांपल्स यहां पर। उसके बाद 2% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट यानी 2% ऑफ 100 करोड़ कितना 2 करोड़, वो किसमें टीयर टू में, टीयर टू का एग्जाम्पल्स यहां पे। तो ये हमने कंसेप्ट समझा कैपिटल एडुकेसी रेशो का। आगे तो देखो ये बोला जाता है कि हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो इंप्रूव हो रही है, लास्ट क्वार्टर में हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही 7.7% और दूसरी तरफ बैंकिंग सिस्टम में क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में वार्न भी किया कि एक्सटर्नल रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, जैसे यूएसए जो है अपनी मॉनिटरी पॉलिसी को टाइट कर रहा है। अगर यूएसए अपनी मॉनिटरी पॉलिसी को टाइट करेगा तो वहाँ पर जो इंडिविजुअल हैं और कंपनीज हैं उनको यूएसए के बैंक से आसानी से लोन नहीं मिलेगा। अगर उन इंडिविजुअल्स और कंपनीज को, यूएसए के इंडिविजुअल्स और कंपनीज को लोन नहीं मिलेगा तो वो कैसे इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे, कैसे वो इंडिया जैसे देशों में इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी यूएसए की मॉनिटरी पॉलिसी टाइट होने की वजह से। इसके अलावा एसेंशियल कमोडिटीज़ के जो दाम बढ़ रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में, इससे भी रुपये की जो कीमत है वो और ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है डॉलर के मुकाबले में। ऑलरेडी जो एक रुपये ट्रेड कर रहा है डॉलर के मुकाबले में 67-68 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी रुपया काफ़ी कमज़ोर है डॉलर के मुकाबले में। अगर रुपया और ज़्यादा कमज़ोर होता है तो फिस्कल और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा और इकोनॉमिक स्लोडाउन आने की संभावना है। आगे देखो ये बोला जाता है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो वैसे तो हमारे देश में बैंक्स के द्वारा जो टोटल लोन दिया जाता है उसमें सिर्फ 65% कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी बैंक्स के द्वारा जो टोटल जितना लोन दिया जाता है उसमें से सिर्फ 65% लोन दिया जाता है सरकारी बैंकों के द्वारा। लेकिन ऑलमोस्ट 85% जो फ्रॉड्स देखने को मिलते हैं वो सरकारी बैंकों में ही देखने को मिलते हैं। तो इससे एक बात जाहिर होती है कि कुछ ना कुछ तो गलत है सरकारी बैंकों में। जो कॉरपोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं उन पे सरकार को फोकस करना होगा अगर सरकार फ्रॉड्स को रोकना चाहती है। तो आपने देखा किस प्रकार से पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच में इतना बड़ा फ्रॉड सामने आता है। नीरव मोदी ने जो 10,000 करोड़ से ऊपर का लोन लिया फर्जी तरीके से और उसे वापस नहीं किया, और सरकारी बैंकों के द्वारा ही अंधाधुंध लोन दिया जाता है, प्रॉपर केयर नहीं की जाती लोन देते वक्त, इसीलिए बाद में वो लोन परफॉर्म नहीं करता यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए कंक्लूजन में ये बोला जाता है अगर वास्तव में सरकार बैंकिंग सिस्टम के क्राइसिस को एड्रेस करना चाहती है तो सरकार को कुछ कदम उठाने होंगे, गवर्नेंस से संबंधित कदम, जैसे कि ऑपरेशनल ऑटोनॉमी देनी होगी बैंकों को। काफी बार देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है बैंकिंग की कार्यप्रणाली में, जिससे बैंक्स जो हैं कई बार वो पॉलिटिकल दबाव में आके भी लोन दे देते हैं। दूसरे नंबर पे बैंक्स में सरकार की जो हिस्सेदारी है उसे कम करना होगा। इसके अलावा सरकार ने रिसेंट में जो कदम उठाए हैं वो भी सही हैं, जैसे रिकैपिटलाइजेशन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, एक सेंट्रलाइज्ड क्रेडिट रजिस्ट्री का निर्माण भी किया जा रहा है ताकि बैंक्स लोन देते वक्त किसी इंडिविजुअल की पास्ट हिस्ट्री को भी पूरी तरह से खंगाल सकें कि पास्ट में उस पर्सन ने, उस कंपनी ने कौन कौन से बैंकों से लोन लिया है, वापस दिया है या नहीं दिया है। तो अगर सारी डिटेल्स बैंक को मिल जाएंगी तो बैंक आसानी से ये डिसाइड कर सकेंगे कि उस पर्सन को, उस कंपनी को लोन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया बैंकिंग क्राइसिस के बारे में। चलते हैं आगे, अगला आर्टिकल मीडिएशन प्रोसेस को लेके है। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकती हूँ। क्या कंटेस्ट है, इस हफ्ते यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी न्यूयॉर्क में और इंडिया भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा। इस मीटिंग में चर्चा होगी उस ड्राफ्ट पर जो कि तैयार किया गया है मीडिएशन प्रोसेस को लेके। जिस ड्राफ्ट पर चर्चा होगी उस ड्राफ्ट में मीडिएशन को डिफाइन किया गया है कि अगर देखो दो पार्टीज के बीच किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, मान लीजिए ए और बी के बीच पहले किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लेकिन अब डिस्प्यूट सामने आती है, तो ए और बी
मीडिएटर की सहायता से विवाद को सुलझाने की कोशिश करते हैं। मीडिएटर देखो दोनों पक्षों को एक टेबल पर लेके आता है। मीडिएटर की तरफ से कोई सॉल्यूशन इम्पोज नहीं किया जाता ए पे और बी पे। मीडिएटर सिर्फ ए और बी के बीच जिस चीज को लेकर डिस्प्यूट है उस चीज को लेकर एमिकेबल सॉल्यूशन फैसिलिटेट कर सकता है। अब देखो जैसे ही मीडिएटर की सहायता से कोई एग्रीमेंट हो जाता है दो पार्टीज के बीच जिनके बीच पहले डिस्प्यूट था, तो बाद में सेटलमेंट टर्म्स को उस कंट्री की कोर्ट के सामने रखा जाएगा और कोर्ट उन सेटलमेंट टर्म्स को इन्फोर्स करेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में दो पार्टीज के बीच डिस्प्यूट था ए और बी। सी ने मीडिएशन करवाया ए और बी के बीच और आखिर में तय ये हुआ कि ए बी को 10 करोड़ रुपए देगा। तो अब देखो इस सेटलमेंट टर्म को कोर्ट के सामने रखा जाएगा, हमारे देश में किसी कोर्ट के सामने रखा जाएगा और कोर्ट इस सेटलमेंट टर्म को इन्फोर्स करवाएगी। लेकिन आप एक बात पर यहाँ पे फोकस कीजिएगा, कोर्ट्स सेटलमेंट टर्म्स को इन्फोर्स करवाने से पहले कुछ चीज़ें देखेंगी। कोर्ट सबसे पहले ये देखेंगी कि ए और बी के बीच में जो डिस्प्यूट था क्या ए और बी की कैपेसिटी है कि वो मीडिएशन की सहायता से समझौता कर सकते हैं या नहीं, पहली चीज़ ये देखी जाएगी कोर्ट के द्वारा। दूसरी चीज़ कोर्ट के द्वारा ये देखी जाएगी कि जिस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट है उस चीज़ का मीडिएशन, उस सब्जेक्ट मैटर पर मीडिएशन संभव है या नहीं डोमेस्टिक लॉस के अकॉर्डिंग। तो ये दो चीज़ें कोर्ट के द्वारा देखी जाएंगी। अगर कोर्ट को लगता है कि दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो फिर मीडिएशन की जो टर्म्स हैं, जो सेटलमेंट टर्म्स हैं, उनको इन्फोर्स किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। अब देखो एक क्वेश्चन ये उठता है, मीडिएशन से अगर किसी डिस्प्यूट को सोल्व किया जाता है तभी किया जाता है ना जब दोनों पार्टीज राजी हों। इस केस में ए और बी दोनों के बीच डिस्प्यूट था, दोनों के बीच मीडिएशन हुआ और दोनों राजी हो गई कि हाँ 10 करोड़ ए बी को देगा। अब देखो जब ए राजी हो ही गया है कि बी को 10 करोड़ पे दिए जाएंगे तो फिर कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्समेंट की आवश्यकता है ही क्यों। तो ड्राफ्ट में ये कहा जाता है कि देखो सर्टेनिटी आ जाएगी। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि मीडिएशन के बाद मीडिएशन की सफल आउटकम होती है और ए और बी के बीच मान लीजिए डिस्प्यूट सोल्व हो जाता है, लेकिन बाद में भी ए के द्वारा अगर सेटलमेंट टर्म्स को रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा तो कोर्ट से क्या होगा, अगर कोर्ट इन्फोर्स करवाएगा मीडिएशन की सफल आउटकम को तो सर्टेनिटी होगी और एक्नोलेजमेंट आएगी कि जो डिस्प्यूट था उसको सफलतापूर्वक सोल्व किया जा चुका है, बाद में कोई गुंजाइश नहीं रहेगी डिस्प्यूट की दोबारा से होने की उसी इशू पर। आगे आर्टिकल में कहा जाता है आज के समय में 174 देश यानी 174 कंट्रीज मीडिएशन और कॉन्सुलेशन को एक जरिया मानते हैं डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने का। यानी 174 देशों में ये माना जाता है कि कोर्ट्स जाने की बजाय मीडिएशन और रिकॉन्सिलेशन की सहायता से अगर डिस्प्यूट्स को सोल्व किया जाता है तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इसके अलावा बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब ने भी अपने अपने रूल्स इस्टेब्लिश किए हैं और ये ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेसेस को असिस्ट करती हैं कि वो भी डिस्प्यूट्स को सोल्व कर सकें मीडिएशन की सहायता से। अगर देखो मीडिएशन और कॉन्सिलेशन की सहायता से डिस्प्यूट्स को सोल्व किया जाता है तो एक तो डिस्प्यूट्स जल्दी सोल्व होती हैं, दूसरा बिजनेस फॉर्म्स का पैसा बच जाता है और विभिन्न देशों की जुडिशरी पर बर्डन भी नहीं पड़ता, इसलिए मीडिएशन की सहायता से डिस्प्यूट्स रिजोल्व करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद सौदा है। आप थोड़ा सा इस बॉडी के बारे में भी देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में यानी 1966 में। पिछले 50 सालों से ये बॉडी काम कर रही है जो इंटरनेशनल बिजनेस रूल्स हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाए, उनको हार्मोनाइज किया जाए ताकि विभिन्न देशों के बीच जो ट्रेड है वो और तेज़ी से बढ़े और लोगों का जो इनकम लेवल है उसमें इम्प्रूवमेंट हो, नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो व्यापार में। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं इस बॉडी के। इस बॉडी की जो मेंबरशिप है वो यूनिवर्सल है, लीगल बॉडी है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल माइग्रेशन इश्यूज़ के बारे में है। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 2014 से अभी तक यूरोप में 18 लाख माइग्रेंट्स आ चुके हैं। ये माइग्रेंट्स आए हैं खास करके वेस्ट एशिया और अफ्रीका से। अब देखो जिस प्रकार से इंडिया में रोहिंग्यास के आने पर कुछ राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा विरोध किया जाता है, उसी प्रकार से यूरोप में भी माइग्रेंट्स का पुरजोर विरोध किया जा रहा है कुछ राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। हालांकि माइग्रेंट्स का अब यूरोप में आना बहुत ज़्यादा कम हो गया है। 2015-16 में बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स आ रहे थे यूरोप में, लेकिन अभी इशू ये है कि माइग्रेंट्स को किस प्रकार से सेटल डाउन किया जाए, किस प्रकार से माइग्रेंट्स को ट्रीट किया जाए, इन सब जो पॉलिसीज़ हैं उन पे विवाद है विभिन्न यूरोपियन कंट्रीज़ में। वैसे 2015 में एक टेम्परेरी एग्रीमेंट हुआ था यूरोपियन यूनियन में
कि यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में माइग्रेंट्स को डिवाइड करेंगे, यानी माइग्रेंट्स जो यूरोप में आ रहे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा यूरोपियन यूनियन के विभिन्न कंट्रीज में। लेकिन कुछ देशों ने तो साफ तौर पर इंकार कर दिया कि हम माइग्रेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। तो आज क्या है, मीटिंग हो रही है यूरोपियन काउंसिल मीटिंग की, और आर्टिकल में यह कहा गया है कि यूरोपियन काउंसिल की मीटिंग जो आज ऑर्गेनाइज हो रही है ब्रुसेल्स में, वहां पर माइग्रेशन एक प्रमुख एजेंडा होगा, यानी माइग्रेशन के इशू पे डिस्कशन होगी, चर्चा होगी। अभी माइग्रेशन का इशू एक बार फिर से सुर्खियों में इसलिए आ गया है कि एक शिप MV Aquarius, इस शिप ने 629 जो माइग्रेंट्स थे उनको रेस्क्यू किया। उसके बाद ये MV Aquarius शिप जाना चाहता था इटली में, लेकिन इटली की सरकार ने मना कर दिया कि आप हमारे यहाँ पर शिप लेके नहीं आ सकते, माइग्रेंट से भरा शिप लेके यहाँ पर नहीं आ सकते। उसके बाद कुछ दिनों तक ये शिप घूमता रहा। बाद में जो यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर रिफ्यूजीज हैं, उस कमीशन की अपील के बाद स्पेन में वो शिप गया, क्योंकि माइग्रेंट्स के पास जो खाना था वो पूरा ख़त्म हो चुका था। इसलिए यूनाइटेड कमीशन की जो रिफ्यूजीज से संबंधित बॉडी है उसने अपील की और स्पेन में वो माइग्रेंट से भरा शिप पहुँचा MV Aquarius। आगे आर्टिकल में यह बोला जाता है कि माइग्रेशन के इशू की वजह से जर्मनी में सरकार भी गिर सकती है। देखो 2015 से अभी तक जर्मनी में ऑलमोस्ट 16 लाख माइग्रेंट्स आ चुके हैं, और 2015 में जो वहां की चांसलर थी उस समय, जो आज भी है, एंजेला मर्कल, उन्होंने यूरोपियन यूनियन माइग्रेशन रूल्स को सस्पेंड कर दिया था और माइग्रेंट्स को आने दिया था जर्मनी में। लेकिन जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि जर्मनी की जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने उस समय में भी एंजेला मर्कल के इस डिसीजन का विरोध किया था कि आप कैसे माइग्रेंट्स को हमारे देश में अलाउ कर सकती हो। तो देखो बाद में जब जर्मनी में इलेक्शंस कंडक्ट हुए, हालांकि जर्मनी की चांसलर फिर से बनी एंजेला मर्कल, लेकिन कोलिशन के आधार पर चांसलर बनी थी एंजेला मर्कल, यानी बाकी जो पार्टीज हैं उनका सहयोग लेना पड़े था। उसमें से एक पार्टी है क्रिश्चियन सोशल यूनियन। अब देखो क्रिश्चियन सोशल यूनियन के लीडर जो अभी समर्थन कर रहे हैं एंजेला मर्कल का, उनका यह कहना है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर यूरोपियन यूनियन की डील को, यूरोपियन यूनियन की माइग्रेशन पे जो डील है उसे सिक्योर करें जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्कल। लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर यूरोपियन यूनियन की माइग्रेशन पे डील संभव नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो क्रिश्चियन सोशल यूनियन के लीडर हैं वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे एंजेला मर्कल से। तो एंजेला मर्कल जो है वो चांसलर बन के नहीं रह सकेंगी जर्मनी में, यानी एंजेला मर्कल को अपने चांसलर के पद को गंवाना पड़ सकता है माइग्रेशन के इशू की वजह से, ऐसा बोला गया है आर्टिकल में। तो कोई खास इंपोर्टेंट आर्टिकल नहीं है, चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल उज्ज्वला रेवोल्यूशन के बारे में है। पेपर 2 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल में कहा गया है कि उज्ज्वला स्कीम से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है लोगों को। 2014 में LPG कनेक्शंस का जो पेनिट्रेशन था वो 56% था, और आज LPG कनेक्शंस का जो पेनिट्रेशन है वो 80% तक पहुंच चुका है। और विभिन्न तरह का डेटा ये शो करता है कि जिन लोगों ने कनेक्शंस लिया है, यहाँ पर देखो डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, एसेंस आपको बता देता हूँ। जैसे मई 2016 से अप्रैल 2017 के बीच IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में 85.47 लाख उज्ज्वला कस्टमर्स ने अपने आप को रजिस्टर करवाया, यानी इतने लोगों को LPG कनेक्शंस दिया गया उज्ज्वला योजना के अंतर्गत IOCL के द्वारा। और मई 2016 से अप्रैल 2018 के बीच जो एवरेज कंजप्शन है नए उज्ज्वला कस्टमर्स का वो है एक साल में 4.4 सिलेंडर्स का यूज करना। और वैसे हमारे देश में टोटल जो एवरेज है LPG कनेक्शंस के कंजप्शन का वो है 6.8 सिलेंडर्स, यानी जो एवरेज कस्टमर है वो एक साल में 6.8 सिलेंडर्स खरीदता है LPG के। यानी कि उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत जिन कस्टमर्स ने LPG कनेक्शन लिया है वो LPG सिलेंडर्स को परचेज भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार LPG कनेक्शन लिया उसके बाद LPG सिलेंडर को कभी खरीदा ही नहीं और पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा है खाना बनाने के लिए, ऐसा नहीं। LPG कनेक्शन लिया है तो एवरेज के तौर पे 4.4 सिलेंडर्स एक साल में खरीदे जा रहे हैं। इससे देखो बहुत सारे फायदे हुए हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है, और हेल्थ को पहले नुकसान पहुंचता था ट्रेडिशनल मेथड्स का इस्तेमाल जो किया जाता था खाना बनाने में, उससे जो हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता था और टाइम की भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती थी, आज उसी टाइम का इस्तेमाल किया जा सकता है उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत नए कस्टमर्स के द्वारा अपने चिल्ड्रंस को सर्विसेज देने में, जो एल्डर्स हैं घर में उनका ध्यान रखने में। इसके अलावा पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा कम हुआ है। एक जो दूसरा बड़ा फायदा हुआ है उज्ज्वला स्कीम से वो ये हुआ है कि उज्ज्वला स्कीम के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए गांव लेवल पे
जो एलपीजी पंचायत हैं वो ऑर्गेनाइज की गई थी, ताकि जो विभिन्न कस्टमर्स हैं, नए कस्टमर्स हैं उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत, वो एक साथ इकट्ठा हों और डिस्कस करें कैसे तो जो एलपीजी कनेक्शंस हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे और बेहतर ढंग से अवेयरनेस फैलाई जा सकती है। तो इन सब बातों पर चर्चा होती है लोकल लेवल पे जो एलपीजी पंचायत से ऑर्गेनाइज होती हैं। तो ये एक अच्छा मॉडल है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है दूसरी स्कीम्स के संदर्भ में भी। तो काफ़ी सफल साबित हुई है उज्ज्वला स्कीम, इसलिए ये एक उज्ज्वला रेवोल्यूशन है, उज्ज्वला क्रांति है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया उज्ज्वला क्रांति के बारे में, और ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। चार आर्टिकल्स मेनली आज हमने डिस्कस किए। पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया बैंकों में क्राइसिस के बारे में, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो बढ़ती जा रही है उस इशू के बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन की। दूसरे नंबर पे मीडिएशन प्रोसेस के बारे में हमने जाना। तीसरे नंबर पे हमने माइग्रेशन का जो इशू है उसे डिस्कस किया, और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया उज्ज्वला रेवोल्यूशन के बारे में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।